The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारे बीच एक और महान हस्ती, एक और बहुत ही उम्दा बेहतरीन एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे, और उनको जो बीमारी थी वो थी ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, बोन मैरो का कैंसर, और जिससे वो पिछले 2 साल से लड़ रहे थे, और आखिर में उनको भी सांस की दिक्कत हुई है, सांस की बीमारी हुई है। हो सकता है उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया हो कि अब वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस को नहीं रोक पाए, हो सकता है उनको कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ हो, वो नहीं कहा जा सकता कि वो कौन सा इन्फेक्शन था, अब तक क्लियर नहीं हुआ है, हो सकता आगे चल के क्लियर हो सकता ना हो, लेकिन जो मेन मूल बीमारी थी उनकी वो थी ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया। आज हम उसके बारे में बात करेंगे, आज आपको जानकारी देंगे क्या होता है ल्यूकीमिया, क्या है ये ब्लड कैंसर, कैसे जान लेता है। उससे पहले आपको जानना होगा कि ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, और ये बनते हैं आपके बोन के अंदर के मैरो में, हड्डी के बीच में एक खोखली जगह होती है जिसे हम मैरो कहते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो में स्पॉन्जी टिश्यू होता है जहाँ पर खून के सेल बनते हैं स्टेम सेल्स से, वहीं से स्टेम सेल्स होते हैं, और बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें दो बेसिक लीनिएज होती है, मतलब या तो माइलॉइड यानी मैरो से निकलने वाले सेल्स होंगे, मैरो के सेल्स होंगे, या तो लिम्फोइड लीनिएज होगा। माइलॉइड लीनिएज में आपके बनते हैं रेड ब्लड सेल्स, आपके मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सारे मेगाकैरियोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सारे बनते हैं माइलॉइड सेल्स से, यानी आपके प्लेटलेट क्लॉटिंग वाले रेड ब्लड सेल्स सारे। बचते आपके हैं लिम्फोइड, लिम्फोइड लीनिएज में आपके बनते हैं टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स और इननेट लिम्फोइड सेल्स। तो ये प्रकार के सेल्स आपके बोन से बनते हैं। तो ल्यूकीमिया क्या है? ल्यूकीमिया कैंसर है जहाँ पर शरीर के ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, ये ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और उनके नंबर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाते हैं, प्रीमेच्योर सेल्स बनने लगते हैं, ख़राब सेल्स बनने लगते हैं। सो बोन मैरो का सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम, लिम्फॉइड सिस्टम, ये दोनों इन्वॉल्व, दोनों में से एक इन्वॉल्व हो सकता है। और कॉमन, सबसे कॉमन जो होते हैं, कई बार ये बच्चों में पाया जाता है, बहुत कॉमन, कुछ प्रकार के बच्चों में ज़्यादा कॉमन है, कुछ प्रकार के एडल्ट्स में बहुत कॉमन है। ल्यूकीमिया जो कि सिर्फ और सिर्फ WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको ज़्यादा, यूजुअली ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं WBC को, और आपके वाइट ब्लड सेल्स आपके खुद के इन्फेक्शन के फाइटर्स हैं, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के फाइटर्स हैं। और होता क्या है, नॉर्मली वो ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर फैशन में, ऑर्डरली फैशन में, और जब आपकी बॉडी के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है, नहीं होती है, या उनका काम ख़त्म हो जाता है, तो वो अपने आप मर जाते हैं, आपके सिक्वेस्टर हो जाते हैं। और ल्यूकीमिया में क्या हो रहा है, बोन मैरो एबनॉर्मल सेल्स, एबनॉर्मल टाइप के वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाता जा रहा है। सो ऐसे में मुश्किल हो जाता है इम्यून सिस्टम का कंट्रोल रखना, इम्यूनिटी का कंट्रोल रखना, और शरीर के सिस्टम्स को नॉर्मल चलाना। फिर इसका ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिपेंड करता है किस प्रकार का ल्यूकीमिया है, कौन से सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं, कितने एबनॉर्मल है, काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल किसी भी प्रकार का ल्यूकीमिया हो, अल्टीमेटली सिम्टम्स, कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं इसमें। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एक तो आपके फीवर और चिल्स आ सकता है, फीवर चिल्स, बहुत ज़्यादा थकावट, परसिस्टेंटली आपको वीकनेस रहती है, बहुत ऑब्वियसली इन्फेक्शंस बहुत कॉमनली हो जाएंगे, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, जो भी कॉमन इन्फेक्शन आपके एरिया में है वो आपको होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, जो आप बिना ट्राई किए वेट लॉस होगा। लिम्फ नोड बड़े हो सकते हैं, स्प्लीन लिवर बड़े हो सकते हैं, ब्लीडिंग ईजिली हो सकती है, ब्रूजिंग हो सकती है, रिकरेंट नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, शरीर के ऊपर छोटे छोटे टाइनी स्पॉट्स आ सकते हैं। याद रखिए, ये सारे सिम्टम्स 100 अलग अलग और बीमारियों में भी हो सकते हैं, इसीलिए डायग्नोस डॉक्टर करता है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। कई बार एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, कई बार हड्डियों में दर्द होता है, बोन टेंडरनेस हो सकती है, तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर को दिखाना है, खुद से अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना है।
अगर कभी हमें ऐसे सिम्टम्स परसिस्टेंट लगते हैं तो फिर टेस्ट करके कारण पता किया जाता है। याद रखिए, ल्यूकीमिया के सिम्टम्स बहुत वेग हैं, नॉन स्पेसिफिक हैं, जिसमें लेकिन इसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। ये कई बार सिंपल फ्लू के जैसा भी सिम्टम्स लग सकते हैं, कॉमन इलनेस है, लेकिन कई बार इसको डायग्नोस करने के लिए याद रखिए टेस्ट कराने ज़रूरी हो जाते हैं। अगर कारण की बात करेंगे तो एग्जैक्ट एक कारण पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता कि इसी कारण से ल्यूकीमिया हुआ है। इसमें तीन चार प्रकार के, यानी आपके जीन्स, आपके जेनेटिक्स, आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में आप कितने कार्सिनोजेंस के से आपका पाला पड़ रहा है, खाने पीने में कहीं आप बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेंस तो नहीं खा रहे, और बहुत सारे फैक्टर इसमें प्ले करते हैं। जेनेटिक फैक्टर मेन है। ल्यूकीमिया बनता कैसा है? इन जनरल ल्यूकीमिया जो है, ब्लड सेल्स जो हैं उनके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन डीएनए लेवल पे हो जाता है, जो कि आपके सेल्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि और ज़्यादा डेवलप करते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। हर एक सेल डेवलप होता जाता है, मतलब नंबर में 100, 200, इतने सारे ब्लड के सेल्स बनते जाते हैं कि पूछो मत, भर जाते हैं आपका बॉडी, आपका सेल्स, खून गाढ़ा भी हो सकता है, खून इवन ये सारे सेल्स जब जब इनके सेल्स टूट जाते हैं तो और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें समझना किस प्रकार का सेल बढ़ रहा है। कुछ एबनॉर्मलिटी ऐसे भी होती है जो सेल्स को बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करवाती है, एबनॉर्मल सेल्स को, जबकि नॉर्मल सेल्स हैं लेकिन नॉर्मल सेल्स फिर आपके बच नहीं पाएंगे कि एबनॉर्मल सेल्स इतने ग्रो, नॉर्मल सेल्स मरने शुरू हो जाते हैं ओवर टाइम। एबनॉर्मल सेल्स हेल्दी सेल्स की जगह ले लेते हैं बोन मैरो में, और बहुत कम हेल्दी वाइट ब्लड सेल्स रह जाते हैं, बहुत कम हेल्दी WBC, RBC, प्लेटलेट रह जाते हैं, इसीलिए आपको साइन एंड सिम्टम आने लग जाते हैं। तो ल्यूकीमिया जैसे हमने बताया चार प्रकार के होते हैं, और इसको डिपेंड करता है इसकी स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन पे कि ये एक्यूट है कि क्रोनिक है, धीरे धीरे हो रहा है या बहुत फास्ट हो रहा है, और किस प्रकार का सेल इन्वॉल्व है उसके ऊपर। एक्यूट ल्यूकीमिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल जो है, इमेच्योर ब्लड सेल्स दोनों के दोनों, क्योंकि ये इतना जल्दी बन रहा है कि सेल्स को मैच्योर होने का समय ही नहीं है, इमेच्योर सेल्स आपके ब्लड में आ रहे हैं, खतरनाक बोन मैरो में बन रहे हैं, और ये इमेच्योर सेल्स जो है आपका नॉर्मल बॉडी का फंक्शन, प्रोटेक्शन या किसी प्रकार का फंक्शन नहीं कर पाएंगे और मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैपिडली, तो डिजीज जल्दी बढ़ जाएगी, शरीर जल्दी जल्दी बीमार होगा और घातक भी सिद्ध हो सकता है। इसको एग्रेसिव मैनेजमेंट की जरूरत पड़ जाती है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट की। क्रोनिक ल्यूकीमिया का मतलब है कि धीरे धीरे कुछ 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 सेल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे बन रहे हैं, तो सेल्स मैच्योर हो पा रहे हैं, हो सकता है वो काम कर पाएँ जो उनको उनको करना चाहिए। सो क्रोनिक ल्यूकीमिया कई बार कोई भी साइन सिम्टम नहीं करता और काफ़ी सालों तक हो सकता है अनडायग्नोस रह जाए एक क्रोनिक ल्यूकीमिया, अननोटिस रह जाए, अनडायग्नोस रह जाए, ऐसा पॉसिबल होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा जब साइन सिम्टम नहीं आएंगे कि भाई इसके लिए भी टेस्ट करना है। दूसरा प्रकार हमने जैसे बताया किस प्रकार का सेल है, लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया का मतलब होता है कि आपके लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वहां पर वो आपका मेन इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होंगे, ये लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया होता है। और इतना माइलोजिनस ल्यूकीमिया, यानी कि ऐसे टाइप के सेल जो आपके माइलॉइड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स हो गए, दूसरे वाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स को छोड़ के और प्लेटलेट प्रोड्यूसिंग सेल्स को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर क्लॉटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो इसी प्रकार से चार बन जाते हैं, राइट, यानी एक्यूट, क्रोनिक, माइलॉइड, लिम्फॉइड। तो ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक और क्रोनिक माइलोसाइटिक, चार प्रकार के हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत रेयर प्रकार के भी हैं, अदर टाइप्स, रेयर टाइप ऑफ ल्यूकीमिया भी है, जैसे कि हैरी सेल ल्यूकीमिया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ये सारे भी हैं। याद रखिए अलग अलग बीमारी अलग अलग एज ग्रुप में कॉमन है। ALL मोस्ट कॉमन है यंग चिल्ड्रन में, और एडल्ट्स में भी हो सकती है। AML कॉमन है, अगेन दोनों ही दोनों, ALL AML एक्यूट केसेस यंग या चिल्ड्रन में ज़्यादा पाए जाते हैं, क्रोनिक केसेस ज़्यादा एडल्ट में पाए जाते हैं क्योंकि वो मिलते ही नहीं है कई सालों तक, और क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया जो है वो भी एडल्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखिए अब आपको रिस्क कितना है इस बीमारी का, याद रखिए अगर आपका पहले कभी कोई कैंसर हो चुका है तो ये टाइप के ब्लड कैंसर्स होने के रिस्क आपके बढ़ जाते हैं। तो जिनको कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन थेरेपी हो गई, उनके रिस्क बढ़ जाते हैं कि उनको ल्यूकीमिया भी हो जाए, दूसरा एक कैंसर ऊपर से दूसरा कैंसर। जेनेटिक डिसऑर्डर अगर आपको है किसी प्रकार का, डाउन सिंड्रोम या दूसरे किसी प्रकार का, या फैमिली में जेनेटिक हिस्ट्री है ल्यूकीमिया की, बोन ब्लड कैंसर की, तो आपके केस में आपको रिस्क बढ़ जाएगा।
कुछ केमिकल से अगर आपका एक्सपोजर हो रहा है, जैसे बेंजीन, गैसोलीन, बहुत ज्यादा गैसोलीन से एक्सपोजर हो रहा है, तब भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा ल्यूकीमिया का। स्मोकिंग से आपका रिस्क बढ़ जाता है एक्यूट माइलोजिनस ल्यूकीमिया का। और फैमिली हिस्ट्री मैंने जो ऑलरेडी बताई, अगर आपके फैमिली में ल्यूकीमिया है तो आपको ल्यूकीमिया का रिस्क हो सकता है। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको रिस्क फैक्टर है तो आपको ल्यूकीमिया होगा ही। याद रखिए, मोस्ट पेशेंट जिनको नहीं है, जिनको रिस्क फैक्टर है फिर भी ल्यूकीमिया नहीं होता है, और जिन बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है फिर भी ल्यूकीमिया होता है। तो अपने लिए अपने जरूरी एस्पेक्ट ये है कि जब भी आपको कोई ऐसा सिम्टम है जो इससे मेल खाता है, तो अपना टेस्ट कराएं, अपने जानकारी रखें। टेस्ट में एक CBC, सिंपल CBC में हमें पता चल जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट में कि ब्लड के सेल्स कुछ बहुत ज़्यादा नंबर में है या नहीं, तो एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ, अब इस पेशेंट का बोन मैरो निकाल के देखना चाहिए कि ये बोन मैरो में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। उससे पिक्चर सामने आ जाती है कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो बहुत सिंपल टेस्ट से भी पता किया जा सकता है इस बीमारी का। रेगुलर कराएं हर साल अपना हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, हेल्थ चेकअप बाय डॉक्टर एजुकेशन, कि कौन कौन से टेस्ट रेगुलर आपकी उम्र के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से आपको कराने चाहिए। आखिर में याद रखिए दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है उसको अर्ली स्टेज में डायग्नोस करना, अर्ली स्टेज में टेस्ट कराना। इसीलिए मेडिकल फील्ड में आपको हेल्थ चेकअप कराने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, एक बहुत ही दुखद खबर है कि इरफान खान फिर ऋषि कपूर बिल्कुल कैंसर के चपेट में आ गए दोनों के दोनों। और ऐसे बहुत से और लोग हैं जो दुनिया में रोज़ कैंसर से, इन्फेक्शन से, बीमारियों से लड़ रहे हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन सभी को, ऋषि कपूर जी को, सभी को हमारी श्रद्धांजलि, हाथ जोड़ के नमन है। कृपया अपने अपने आप का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।